वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे ब्लॉग्स में फिर से एक बार आपका स्वागत दोस्तों इस खूबसूरत गर्मी वाली दिल्ली के अंदर। और आज बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रहा हूं, तो सोचा था कि चलो आज एक ब्लॉग बना ही दूं। और क्योंकि मेरा कुछ काम था तो आज मैं जा रहा हूं नेहरू प्लेस, और उसके बाद फिर कहीं और भी जाऊँगा और सारा दिखाऊँगा आपको जहाँ जहाँ भी मेरा आज टूर होगा। क्योंकि आज मैं निकल चुका हूँ, समय हो चुका है, इस समय ठीक 12 बज चुके हैं, घर से निकल चुका हूँ और मैं हूँ इस समय अक्षरधाम के पास और फिर नेहरू प्लेस की तरफ निकल रहा हूँ। तो सारी बातें आपसे बाइक पर बैठे करते हैं, तो चलते हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद निकल गया हूँ और यानी कि वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे पास ना टाइम नहीं हो रहा है बिल्कुल। जब से उत्तराखंड से आया हूँ, अगर आपने उत्तराखंड की ब्लॉग नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर ज़रूर देखना। और मैंने बहुत खूबसूरत वीडियो बना के रखी है एंड ड्रोन शॉट वाली वीडियो बना के रखी है, तो ज़रूर देखना। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं ना तो हमको थोड़ा सा एक मोटिवेशनल मिल जाता है। आज मैं जा रहा हूँ नेहरू प्लेस, और नेहरू प्लेस जाने का कारण ये है कि मैंने जो मेरे पास दो मेमोरी कार्ड हैं 128 और 128 GB के, तो जिसमें 128 GB जो है फिर से दोबारा ख़राब हो चुका है और उसमें मेरे कई सारे वीडियोज़ के अंदर पड़े हुए थे लेकिन वो खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई है और लगता है ख़राब ही हो गया है। तो 128 GB का है और सनडिस्क का है, तो सनडिस्क जो है 5 साल की वारंटी देता है, और तो सनडिस्क का ऑफिस है नेहरू प्लेस में, तो मैं वहीं जा रहा हूं और नेहरू प्लेस में उसको वहां पर चेंज करूंगा, क्योंकि एक बार पहले भी मैं चेंज कर चुका हूं और ये ले रखा है मैंने सन 2021 में लिया था मैंने, जो ख़राब हो गया है, तो अभी ये एक्सचेंज हो जाएगा। तो बिल ज़रूर होना चाहिए साथ में, अगर बिल नहीं होगा तो फिर एक्सचेंज नहीं होगा, अगर बिल आपके पास है तो एक्सचेंज ये ज़रूर हो जाएगा। तो चलते हैं थोड़ा म्यूजिक के साथ। होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल मेरे पास है इसलिए मैं जा रहा हूं, और फिर उसके बाद वहां से आगे का प्लान बनाऊंगा वो आप वीडियो में आपको नज़र आएगा। तो दिल्ली के अंदर इतनी गर्मी हो रही है ना, ओए होए होए, अभी समय आप देख चुके हैं, मैंने ग्लव्स लगा रखे ना इसकी वजह से घड़ी का देखा ना 12 बज रहे हैं इस समय, और गर्मी इतनी हो गई ना कि क्या बताऊँ, पूरी धरती जो है तप गई इस समय, और लेकिन लोग फिर भी अपने काम पर जा रहे हैं क्योंकि भैया काम करना बहुत ज़रूरी है दिल्ली के अंदर, और काम नहीं करेंगे तो ये फिर क्या होगा। तो आई होप आपको आवाज़ भी अच्छी आ रही होगी और वीडियो भी अच्छी लग रही होगी, क्योंकि पिछले बार जब मैं गांव गया था ना तो ये गोपरों का जो था डाउन हो गया था नीचे को, तो पूरी वीडियो जो है जैसे अभी दिखाई दी थी एकदम सामने का साफ उसमें नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि एक तो मेरे पास जो माउंट था वो दूसरा चेंज कर दिया था मैंने इसके वजह से, और फिर डाउन हो गया था ये झटके में। तो आज एक महीना हो चुका है और गाँव से आए हुए, और इस बार गाँव में ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया यार गाइस। जहाँ पर ना पहले सरायकेला जो बस अड्डा था वो पूरा चेंज हो गया, बस अड्डा तो हटा दिया लेकिन बस अड्डा के ऊपर ये इतनी बड़ी बिल्डिंग और मेट्रो स्टेशन बन रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है यार, बाप रे बाप, ये कितना जाने कितने 1.5 साल से काम चल रहा है इसमें, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। जब मेट्रो का पुल बनने लग गया तब पता चला कि यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन बन रहा है, लेकिन इतना बड़ा स्टेशन और ये मेट्रो यहाँ से कहाँ जाएगी ये भी मालूम नहीं। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, क्योंकि यहाँ पर निज़ामुद्दीन स्टेशन भी है रेलवे स्टेशन और सरायकेला बस अड्डा भी है, लेकिन पूरा काया पलट कर दी भाई यहाँ की, पूरा काया पलट कर दिया। आप देख रहे हो सुबह के टाइम तो यहाँ पर बहुत ही जाम मिलेगा आपको, लेकिन इतना बड़ा स्टेशन मैंने आज तक दिल्ली के अंदर नहीं देखा कहीं पर, जो स्टेशन इतना बड़ा यहाँ पर बन रहा है, किस नाम से बन रहा है, किस वजह कहाँ से ये कहाँ यह मेट्रो जा रही है इसका भी मुझे मालूम नहीं। अगर आप लोगों में से किसी को मालूम हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये मैंने आपको दिखा दिया, देख लो आप ये बड़े बड़े मोटे पिलर यार, बाप रे, इसके नीचे क्या होगा, बस अड्डा बनेगा इसके नीचे क्या बनेगा ये तो मुझे भी मालूम नहीं, कितना बड़ा, बाप रे बाप। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को पता होगा, और जब ये पुल बन के तैयार हो जाएगा ना तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा। तो फिलहाल चलते हैं इस समय नेहरू प्लेस की तरफ, और गर्मी यार बहुत ज़्यादा होगी, अभी से पानी की प्यास लगना स्टार्ट हो चुका है।
तो ये हाल है और जाम भी अपना स्थिति में है। ये ट्रक वाला भी यार, तो यार गाइस यहाँ के लोगों को ना दिन में भी चैन नहीं है क्योंकि काम करना है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, हर लोग जो है अपने गाड़ी पे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने काम से जा रहे हैं। तो ये है दिल्ली की चहल पहल। हाँ, गर्मी भी लग रही है और गाड़ियाँ भी जाम भी लग रहा है, परेशान भी हो रहे हैं लोग, और क्या करें। तो यही है दिल्ली भाई, इतनी दिल वालों की। मेरे आगे बस हो गई रही तो मैं आपको और सीन दिखाता। चलो चलो दिख दिख रहे। तो आप लोग भी कह रहे होंगे यार लोग दिल्ली में रह रहे हैं मज़े मार रहे हैं। अरे यहाँ मज़े कोई नहीं मारता, मज़े वही मारते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। हम जैसे गरीब लोग यहाँ पर कोई मज़े नहीं मार रहे हैं, सब परेशान रहते हैं, सब अपने बच्चे पाल रहे हैं भाई यहाँ पे। तो यहाँ पर मेट्रो का काम कार्य चल रहा है तो इसके वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर जाम आपको मिलेगा क्योंकि ट्रैफिक भी बढ़ गया ना इस समय, ट्रक टेम्पो सब चलते हैं 10 बजे या 11 बजे पता नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा साइज पतला है रोड का इसके वजह से, क्योंकि मेट्रो का कार्य चल रहा है, वही मेट्रो है जो सराय कालखा से होती हुई आती है। तो बात करते हैं उत्तराखंड की। तो पिछली बार जब उत्तराखंड गया था तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए थे, तो 3-4-5 वीडियो बनाए थे। तो ज़रूर देखिएगा पीछे यार, आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों इस समय, और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो चलेंगी। अभी फ़िलहाल कोई व्यूज नहीं आ रहे हैं वीडियो पे, पता नहीं क्यों, शायद हो सकता है वीडियो में कोई कमी आ रही हो। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर मेरी वीडियो में कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, अपना राय दें तो ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। तो यहाँ पर भी काया पलट हो गई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये है महारानी बाग का इलाका और ये DND फ्लाईओवर जो आप देख रहे हैं पूरा सामने नोएडा वाला, और पूरा धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है भाई साहब। और यहाँ से भी एक रोड और निकल चुकी है हाईवे वाली, आप देख सकते हैं। तो पहले क्या था कि खाली एक जंगल ही जंगल था, तो आज यहाँ पर भी हाईवे बनना स्टार्ट हो चुका है। तो ये हाईवे जा रहा है फरीदाबाद को, और अभी चालू नहीं हुआ, कार ही चालू है। तो ये है बात। तो महारानी बाग को आज बाप ने आपको दिखा दिया, ये देखो पूरा हाईवे बन रहा है, सामने है जामिया और ये है। तो मैं जाऊंगा इधर को आज महारानी बाग से होते हुए नेहरू प्लेस। अगर आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो सीधा लाजपत नगर की तरफ। तो महारानी का बाग का जो फ्लाईओवर है वो भी चालू हो चुका है, और आपको मैं उसके फ्लाईओवर के नीचे से लेके जा रहा हूँ और वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ है, लेकिन जो दुकानदार थे बेचारे उनकी बैंड बज चुकी है ये, नहीं तो भाई साहब इतना जाम इस रोड पर कि क्या बताऊँ। और अब ये ज़रा फ्री हुआ। इस पुल को तो बहुत साल पहले बनाना चाहिए था, बहुत पहले बनाना चाहिए था उसको, लेकिन ये बाद बना तो बन तो गया, चलो कोई, तो अब थोड़ा सा सही रहा। अब ये जितना भी ट्रैफिक है ना ये सब नेहरू प्लेस ओखला की तरफ वाला ट्रैफिक है सारा। बहुत ही शानदार, अब आया मज़ा इस रोड पर चलने पर, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा इसलिए, नहीं तो पहले यहाँ पर घंटों लगते थे भाई साहब 1 किलोमीटर जाने में। तो अब मैं आ चुका हूँ मथुरा रोड पर। तो ये रोड जाती है सीधा फरीदाबाद को, और आगे से मैं थोड़ा मुड़ जाऊँगा लेफ्ट, तो लेफ्ट लेके यू टर्न लूँगा सीधा नेहरू प्लेस की तरफ, कालका जी की तरफ निकल जाऊँगा। दिल्ली के अंदर काफ़ी हरियाली भी है, ऐसी बात नहीं है, आप देख रहे हैं पेड़ के नीचे हम जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है इस समय, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर बनेगा एक म्यूजिक। अब मैं आ चुका हूँ मथुरा रोड पर। तो ये रोड जाती है सीधा फरीदाबाद को, और आगे से मैं थोड़ा मुड़ जाऊँगा। कुछ लोग ट्रैफिक के बीच में इतने बदतमीज होते हैं ना, गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आते, ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, आगे तो देखते हैं लेकिन पीछे बिल्कुल भी नहीं देखते कि पीछे वाला ट्रैफिक कैसे आ रहा है क्या आ रहा है, बिल्कुल नहीं, जहाँ मर्जी उधर को मोड़ दिए बस। अब जैसे ये आगे गाड़ी वाला जा रहा है, इसने एकदम से कट मार के निकला है, ये भी क्या बताएं इसको। फिर तो निकल चुका हूँ मैं यहाँ से कालका जी मंदिर की तरफ, तो ये मैं सीधा फ्लाईओवर पर कालका जी टेम्पल की तरफ।
बहुत ही सुंदर नज़ारा इस समय दिल्ली के अंदर नज़ारे देखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ ट्रैफिक मार खा जाता है ना बीच में ट्रैफिक, क्योंकि आदमी यहाँ पर ट्रैफिक से ही बहुत परेशान हो जाता है। आज चलो सैटरडे है तो आज ट्रैफिक इसके वजह से कम भी है, लेकिन भाई साहब बिल्कुल मंडे टू फ्राइडे इतना ट्रैफिक होता है यहाँ पे कि क्या बताऊँ मैं आपको सुबह और शाम को। 20 साल के अंदर दिल्ली के अंदर काफ़ी कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है दिल्ली के अंदर। साल पहले जिनने दिल्ली देखा होगा और 20 साल के बाद अब देखेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे कि दिल्ली अब क्या बन चुकी है करके, वो सब भूल गए होंगे। तो ये था नज़ारा कुछ इस तरह का। सामने का नज़ारा आप जानते हैं मोदी मिल, पहले दिल्ली का ये मोदी मिल इलाका बहुत फेमस हुआ करता था, लेकिन आज ये वीरान पड़ा हुआ है, अब कोई जानता ही नहीं इसको। आप मोदी मिल, लाखों कर्मचारियाँ इसके अंदर काम करते थे मोदी मिल के अंदर, लेकिन आज ये ठप पड़ा हुआ है। अब फिर यहाँ पर इसीलिए लोग कहते हैं यार पांडे दिल्ली की वीडियो बनाया करो, इसीलिए नहीं बनाता हूँ दिल्ली की वीडियो, क्योंकि यहाँ दिल्ली में हो जाते हैं हम परेशान ट्रैफिक से और धूप से, गर्मी से, गर्मी में गर्मी, सर्दी में यहाँ सर्दी। ये सारा कालका मंदिर का एरिया है पूरा, और कालका शक्तिपीठ बहुत दिल्ली का माना हुआ मंदिर है, और वो देखो सामने वो है कालका मंदिर। तो गाइस इतना ही दर्शन करा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ मैं जा नहीं सकता अभी, जाने का प्लान था लेकिन माँ का बुलावा अभी आया नहीं है, काफ़ी साल हो गए वहाँ नहीं गए हुए मुझे, लेकिन मैं गया हूँ वहाँ पे। तो नेहरू प्लेस भी आ चुका है, तो फाइनली गाइस मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ नेहरू प्लेस में, और जो पीछे आप देख रहे हैं ना रेस्टोरेंट ये पंजाबी वाला, इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो प्लीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं। या नेहरू प्लेस के यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। बाकी जो नेहरू प्लेस है, नेहरू प्लेस जो है एक ट्विटर सॉफ्टवेयर मार्केट है पूरा, और एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है नेहरू प्लेस का, और इसकी भी मैंने सारी वीडियो बना रखी हैं। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा इधर उधर का चीज़ दिखाऊँगा, बाकी तो और कुछ ज़्यादा दिखा पाऊँगा क्योंकि मैं आया हूँ किसी काम से इसके वजह से। तो चलते हैं नज़ारा आपको थोड़ा दिखाते हैं। तो ये है पूरा नेहरू प्लेस मार्केट, एशिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मार्केट है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ही बहुत बढ़िया। तो मैं जा रहा हूँ इस तरफ, और आज एक मेमोरी कार्ड को मुझे चेंज करना है, तो वो वारंटी पीरियड में है, तो इसीलिए मैं आपको यह दिखा रहा था, तो उसको चेंज करने जा रहा हूँ, तो हो जाएगा चेंज। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी खाने पीने की शॉप भी है कि बहुत ही स्वादिष्ट और माने हुए दुकान यहाँ पर फेमस हैं, और तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी काफ़ी अच्छी है, और मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर आती है, मतलब मेट्रो भी यहाँ पर चलती है। तो ये था, तो कंप्यूटर का जो भी आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पर चाहिए वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अवेलेबल आपको होंगे यहाँ पर। तो आज शनिवार का दिन है तो गर्मी काफ़ी है, और इसके वजह से भीड़ थोड़ा सा कम दिखाई देगी, तो सुबह और शाम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी। शाम को तो यहाँ पर पैर रखने की जगह आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। देख रहे बड़े बड़े शॉप यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर के और टीवी के, बहुत ही ज़्यादा खाने पीने के भी जाने माने यहाँ पर फेमस रेस्टोरेंट भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो चलते हैं आगे की ओर, अब बात करते हैं अगर नेहरू प्लेस में आए हैं तो अगर आपने कुछ खरीदारी करनी है, यानी कपड़े वपड़े लेने हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे अच्छे और उचित रेट पर। बाकी कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स आपको यहाँ पर चाहिए वो तमाम आपको सब मिल जाएंगे, पुराने से लेकर नए लैपटॉप आपको 10,000 रुपये में हर चीज़ आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी। एक बार आएँ और विजिट जरूर करें यहाँ पर आके, लेकिन किसी के ठगने में ना आएँ, अगर कोई जानकारी हो, कोई जानकार हो, तभी आप यहाँ पर आएँ और शॉपिंग करें कंप्यूटर की। बाकी यहाँ पे कपड़े वपड़े और जो आप देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर सब बहुत मिलेगा। तो ये था नज़ारा कुछ इस तरह का। तुमने कहा चलो अच्छा हुआ, तो ये भी एक अच्छा आदमी है, बढ़िया फसल है। और तो गाइज मैं अपना काम करना चाहता हूँ, चलते हैं और वीडियो को यहीं पर अपलोड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो ऑलरेडी गाइस जो है मेरा काम यहाँ पर हो गया था, और इस समय टाइम हो गया है करीब 3 बजने वाले हैं, और काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ पर यार चेंज करने में, तो चेंज हो गया है लेकिन उनके पास स्टॉक था नहीं, तो उन्होंने मुझे एक हफ्ते का टाइम दे दिया है। एक हफ्ते के बाद मैं यहाँ पर आके नया वाला मेमोरी कार्ड यहाँ से मैं ले जा सकता हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई भी अगर सैंडिस्क का मेमोरी कार्ड है तो वो रिप्लेस ख़राब हो जाती है, तो रिप्लेस हो जाती है, यानी कि आपको उसके बदले में नया मिल जाएगा, लेकिन उसका बिल आपके पास होना चाहिए और आपको मिल जाएगा। तो एक मेमोरी कार्ड की वारंटी होती है कम से कम 5 साल, तो 5 साल तक वारंटी होती है। अगर उसके बीच में पहले ख़राब होती है क्योंकि, तो उसका बिल आपको देना पड़ेगा, तब वो फिर दोबारा आपको एक्सचेंज करके आपको वापस मिल जाता है। तो ये थी बात, और वो है नेहरू प्लेस में एरोज़ बिल्डिंग 6th फ्लोर पर।
जो सैंडिस का जो सर्विस सेंटर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इरोज बिल्डिंग 6th फ्लोर नेहरू प्लेस सैंडिस सर्विस सेंटर। तो ये था, और अगर आपके पास भी होगा तो आप भी उसको हाथ से चेंज कराएं। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और दूसरा वीडियो फिर बना रहा हूँ एक, और उसको ज़रूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।